ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अभी हम चल रहे हैं कहाँ पे, बीच वगैरह चलते हैं। तो कुछ कुछ कैफेटे आर्ट्स की कुछ इस तरह की वाइब्स है। तो चिल आउट ब्रो, स्टे ट्यून्ड। अभी हम कुछ फोटोज़ वगैरह खींचेंगे यहाँ पे थंबनेल के लिए, कुछ मैसेज। ओके, तो एक बार तो सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बोल देंगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो मेरे भाई ने बोल दिया डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Getting under you is all I ever wanted. Getting under you is all I ever needed. Getting under you is all I ever wanted. Getting under you. अच्छा, बीच एक्सप्लोर करते हैं। मुझे पता नहीं, रॉक बीच पर चलते हैं। रॉक बीच पर चलते हैं। तो अभी हम ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं और कॉफ़ी भी एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने लिया एक कैपचिनो कोल्ड कॉफ़ी, तो और कुछ सैंडविच वगैरह लिए। खाना तो बहुत अच्छा रहा। अभी हम चलते हैं, खाने के बाद बीच घूमने चलते हैं। तो आपको भी हम घुमाने, 3-4 बीच है, रॉक बीच, प्रोमेनेड बीच और सैनिटी बीच, पैराडाइज बीच भी है। तो चलो आप वर्चुअली एंजॉय करो। अभी ये कौन सा बीच है? रॉक बीच। रॉक बीच, अभी हम आ गए हैं रॉक बीच घूमने के लिए। धूप बहुत ज़्यादा है, आप मेरे हम दोनों के मुंह देख सकते हो, पर टैन पड़ गया, तुम लोग गालियाँ पड़ गए। चलो व्यूअर्स को बीच दिखाते हैं। ठीक है, चलो व्यूअर्स को बीच दिखाते हैं। तो आप लोगों को बीच दिखाते हैं हम वर्चुअली। यहाँ पे बाइक्स अलाउ नहीं है, तो आपको कहीं पे पार्क करके आपको यहाँ आना पड़ेगा। आपको भाई वॉकेबल, उसे वॉकेबल रह दिया ना। अभी लग रहा है कुछ एनर्जेटिक ना, कुछ बोल दो। क्या बोले, आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। आज मुझे बता सकते हो आपको कैसा लगा है रॉक बीच? आप जरूर आइएगा, प्लान कीजिए। हाँ, थोड़ा धूप ज़्यादा है, तो आप आइएगा ज़रूर। और इवनिंग को आई थिंक इवनिंग को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे, वाइब्स वगैरह कुछ बहुत अच्छा लगेगा, इतना धूप भी नहीं जाएगा। तो अभी एंजॉय कीजिए वो रॉक बीच। जितने भी स्क्रिप्ट मैंने लिखा था वो सब भूल गया मैं यहाँ पे आके। तो अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ खुद मुंह से बोल रहा हूँ, वो सोच के बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये है रॉक बीच। तो इसके पीछे है फ्रेंच कॉलोनी, प्रोमेडियन बीच आई थिंक। वहाँ से 3-4 किलोमीटर हो गया, वो तो खुद पता नहीं ठीक से। तो वहाँ पे प्रोमेडियन बीच है। तो अभी प्रोमेडियन बीच कहाँ पे है, इतना दूर कहाँ होगा? सब पास पास में ही है, एक बार में 2-3 बीच है कवर करते हैं। धूप थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ थोड़ा सा, नहीं तो इवनिंग टाइम को चलते हैं। सनस्क्रीन और इवनिंग को आप लोगों को दिखाएंगे एक बेस्ट सीन और वाइल्ड, ठीक है। तो अभी एंजॉय कीजिए। दिस इज रॉक बीच फ्रॉम पांडिचेरी।
राजा भाई कैसा लगा टोटल पांडिचेरी का अभी तक का आपका कैसा मतलब क्या ओपिनियन बताएंगे? ओपिनियन तो बहुत अच्छा है। आज आपको आप हमारा ब्रेकफास्ट का कैसा लगा व्यू? हाँ ब्रेकफास्ट का 880 रुपीस ओनली। तो कैफे डे आर्ट्स आप जरूर आइएगा। थोड़ा सा बजट फ्रेंडली तो नहीं बोलूँगा मैं, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा नहीं है, मीड रेंज है और खाना बहुत अच्छा है, ठीक है, एवरेज है। पता है क्या, हम लोगों को ज़्यादा स्पाइसी या पता अच्छा लगता है, ये वगैरह फ्रेंड्स ये इटालियन ये कुछ नहीं अच्छा लगता। तो अभी तुमको कैसा लगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगा वो फ्रेंड्स, खाना अच्छा नहीं लगा। क्या यार घास फूस खिला दिए 880 रुपये ले गए। हाँ यार घास फूस खिला के 880 रुपये ले गए। हाय ब्रो हाउ आर यू एंजॉयिंग इन पांडिचेरी? ए ब्रो बता के तो जाओ ना। रूम पे चल रहे हैं हम लोग अभी, we don't have any patience right now, so phone में भी चार्ज नहीं है। चार्ज भी नहीं है, खुद को चार्ज करेंगे और फोन को चार्ज करेंगे फिर आपसे मुलाकात। कैमरा मैन भी कुछ बोलेंगे, ये कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ ये मेरा छोटा भाई जैसा है और क्या बताओ, घास फूस खा के घूम रहे हैं और क्या करें। वैसे पांडिचेरी का भाई बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यू कैन कंपेयर विथ एनी अदर बीच, बट पांडिचेरी इज पांडिचेरी। कुछ सीन ऐसा है, यह है रॉक बीच पांडिचेरी। और हाँ यूट्यूबर्स के लिए कुछ बता दे भाई, मैं इतना बड़ा भी यूट्यूबर नहीं हूँ, जितना हो सके मैं बना रहा हूँ वो फ़ोन पे, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ बोल दो यार वो सब्सक्राइब के लिए प्लीज़ यार, कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लुक्स आर चेंज, और लुक्स आर चेंज यार, अभी लग रहा है ना पांडिचेरी का भाई, अभी आया कुछ। ये हमारा रूम है, अरे ये यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। भारती पार्क, तो आप अगर आप मुझे पूछोगे कि इसके हिस्ट्री वर्क है तो क्रिमिनोलॉजी बहुत ही ख़राब है। सो लुइस गुरे के नाम से कोई है तो उन्होंने बनाए हैं, मे बी वो डच से बिलोंग करते हैं, वो 1854 में बनाए थे, इतना ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, तो गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ हूँ, 1700 लिखा था वो 1854 लिखा था, वो कौन सा करेक्ट है वो पता नहीं अभी। 1854 हिस्ट्री का नॉलेज है मेरे कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, इसने मुझे बताया कि कैमरे देखते ही कुछ हो जाता है तो वो कुछ नहीं बोल पाता, वो उससे आवाज़ ही निकल रहा है, वो काइंड ऑफ साइज। तो सोलो ट्री बनाने वाला था तो इस महापुरुष ने मुझे बोला कि भाई अकेले मत जाओ, मैं भी चला जाऊँगा भाई। 88 सब्सक्राइबर्स है मेरे, मैं बहुत खुश हूँ सीरियसली, 88 सब्सक्राइबर हो गया वो टाटा वाटरफॉल के देख के। तो गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल SRP360, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ बेल आइकन का दबाना मत भूलना। लाइफ इज अ स्ट्रगल, वी हैव टू सफर इट। एक्चुअली मैं इतना ही बोल सकता हूँ, लाइफ इज लाइक ए वाटर बबल, ठीक है अभी आप समझ सकते हो ऐसे क्यों बोला, या लाइफ इज लाइक ए वाटर बबल, खूब एंजॉय करो और दूसरों को खुश रखो, घर वालों को खुश रखो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन।